सजाद अहमद किकलो साहब, उनके साथ में बाहर से आए हुए मेहमान, सभी ठगराई इलाके के आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी सजाद साहब ये इलेक्शन के मसले में हमारी ठगराई में नए नए आए हैं, अब उनको उतनी जानकारी भी शायद नहीं होगी। खैर लीडर लोगों को तो पता होता कौन क्या है, लेकिन फिर भी अब नए नए हमें ठगराई में आए हैं। तो ठगराई के अवाम एक बात में आपको ठगराई के अवाम की बात में कहना चाहूंगा, सजाद साहब थोड़ा इस चीज पर ध्यान दें। इलाका ठगराई के लोग इतने शरीफ और ईमानदार हैं, वो ना ज्यादा वो झूठ बोलना जानते हैं, ना वो लुंगी वगैरह वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, अमन पसंद लोग हमारे ठगराई के। आपको बखूबी ये इल्म है कि हम लोग जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंद्रवाल की थी और इसकी डिलिमिटेशन होकर के आज जो हम किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हैं, और जरा मैं गौर से सुन, ये शोर बंद करो सर। तो आप लोगों को ये भी बखूबी इल्म है कि हम अभी तक सरूरी साहब को अपना वोट कर रहे थे, वो कांग्रेस में भी रहे तो हमारा वोट उसी को हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी को डीपीआईपी में बदला और हम उसी के साथ रहे, चंसी चेंज गए, सोन कैंडिडेट चेंज गो। अच्छू पे शरीफ बखूबी इलम था कि डिलिमिटेशन की वजह से हमारे सब सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन जिस टाइम हमारे इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसियों में इलेक्शन हुआ करता था, तो रिजल्ट के टाइम हमें अपने वोट पर पूरा ये फेथ होता था कि हमारी इंशाल्लाह जरूर जीत है, क्योंकि हम इकट्ठा होकर के अपने वोट का इस्तेमाल करते थे, और जहां इकजहती हो इकट्ठापन हो वहां कामयाबी होती है, नाकामी वहां से दूर भागती है, वो नामो निशान नहीं लेती है वहां तक आने से। लिहाजा जब हमारा रिजल्ट ये आता था कि हमारा सरूरी साहब कामयाब हो गया, लेकिन तब भी हम अपनी एक आंख को दबाए रखते थे, क्योंकि हमें दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसियों का रिजल्ट सामने आना, हम इसको अहमियत देते थे कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब तक हम दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना रिजल्ट सुनेंगे, अपने सज्जाद साहब का रिजल्ट भी सुनेंगे। वो जनाब सज्जाद अहमद किकलू साहब यहाँ पे बैठे, हमारी माताएं बहने, बुजुर्ग और प्यारे नौजवान साथियों, मैं बीजेपी में 10 साल रहा लेकिन अपनी मर्जी से नहीं गया, मैं बीजेपी में नहीं गया, मुझे आके ले गए, मैं बीजेपी में नहीं गया, मुझे आके ले गए, फिर क्या हुआ, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। मेहरबानी बनाने चला था एक आशिया, बनाने चला था एक आशिया मगर आशिया उजाड़ दिया, बनाने चला था एक आशिया मगर आशिया उजाड़ दिया, इसका मतलब समझेंगे आप सभी, चंद मतलब परस्तों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मेरी मेहनत मेरी मशक्कत से जलते थे चंद लोग, मेरी मेहनत मेरी मशक्कत से जलते थे चंद लोग, जिसे भाई समझा था उसी ने बर्बाद कर दिया, मेरे 10 साल खा गए नोच कर गोश्ताबों की तरह, मेरे 10 साल खा गए नोच कर गोश्ताबों की तरह, मैं जहां था वहीं बस खड़ा रह गया, सोच समझ कर कदम उठाना मेरे यारो, सोच समझ कर कदम उठाना मेरे यारो, जिस पे भरोसा किया वही दगा दे गया। आखिरी शेर अर्ज है, खुश हूं मैं फख्र है, खुश हूं मैं फख्र है ये भाईचारा देखकर,
खुशबू में फख्र है ये भाईचारा देखकर, भूला हो रहा था बन से आज फिर जवान हो गए। ठाकराई के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों और यहाँ पे हमारे मौलवी शमसुद्दीन साहब जो आपके सरपंच भी थे, मोहम्मद इकबाल शाह साहब, अल्ताफ हुसैन शाह साहब, मोहतरमा शहजादा कोसर, निशात अहमद वानी, निशात अहमद शाह साहब, जाकिर हुसैन वानी साहब, मोहम्मद हुसैन शाह साहब, मौलवी रजब शाह साहब, गुलाम हुसैन शेख साहब, अलहाज मोहम्मद अमीन वानी साहब, गुलाम दीन सईद गुलाम दीन साहब, निजाम दीन शाह साहब, मोहम्मद यूसुफ शाह साहब, मोहम्मद अब्बास शेख साहब, मोहम्मद इकबाल साहब, मोहम्मद सलीम शाह साहब और भी यहाँ बहुत सारे, मोहम्मद इरफान साहब, फारूक अहमद साहब, परवेज साहब हैं। पहली दफा मैं आया हूँ, अगर भी कल गश्त किया थोड़ा बहुत, क्या मैं दूसरी दफा, जब दूसरी दफा मैं आऊँगा तो मुझे लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बशीर साहब हैं, सरपंच साहब हैं यहाँ, यारे लाल जी हमारे सरपंच हैं विद्याल के, ये भी मेरे साथ हैं, और भी अगर कोई बुजुर्ग आपकी नज़रों में है तो मैं मदरत कहाँ हूँ। हमारे सरपंच साहब हुसैन साहब यहाँ से गजदार से हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, तो मेरे साथ इमरान काजी साहब हैं, बिल्लू जी हैं, बंशीलाल जी हैं, राजेंद्र जी हैं, हनीफ साहब हैं, बहुत सारे मेरे यहाँ अरफान साहब हैं, इकबाल साहब तो आप हैं यहाँ, आमिर आमिर साहब तो है ही, वो तो मेरे बुजुर्गों, इलेक्शन का दौर दौरा चल रहा है, 10 साल का वक्फा जो है बहुत बहुत वक्फा होता है, 10 साल का वक्फा जो है उसको कहते हैं कि एक सदी बीत गई, एक सदी। 10 साल के वक्फे में कई हमारे बुजुर्ग जो हैं, कई हमारे साथी जो इस दुनिया से चले गए, और नई जनरेशन जो 10 साल पहले 8 साल की थी वो 18 साल की हो गई। इन 10 बरस में क्या क्या हमने देखा, क्या क्या हम पे बीती, न कोई तर्जुमान, न कोई नुमाइंदा, न अपनी सरकार, यूपी बिहार वालों के हवाले हमको कर दिया, अफसरशाही जो लोगों को, गरीबों को सरकार की तरफ से जो इमदाद होती थी वो सब खत्म, चाहे वो राशन हो, नरेगा हो। सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त जो एक चैलेंज है वो है बेरोजगारी का। आज से 10 साल पहले जिस घर में एक बच्चा बेरोजगार था, आज 10 साल के बाद उस घर में दो दो तीन तीन बेरोजगार। चलो देर आए दोस्त आए, हम इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई 10 साल के बाद आपने इलेक्शन कराए। हम इलेक्शन कमीशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि शुक्र है उसको भी 10 साल के बाद याद आया कि जम्मू कश्मीर भी कोई स्टेट है, अब तो यूटी है। ये तो तोहफा मिला है हमको 10 साल के अंदर, जो एक पुरानी स्टेट और सबसे बड़ी स्टेट थी
उसको यूटी का दर्जा दिया, इसका भी शुक्रिया है। और क्या कहते हैं, शुक्रिया ही कहें। तो इन 10 वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया ये सब लोग जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब देखते हैं, डेली देखते हैं कि पूरे मुल्क में, स्पेशली हमारे स्टेट में इन 10 वर्ष में क्या हुआ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है मैं देख रहा हूं कि वो कोई गली नहीं, वो कोई चुराहा नहीं, जहां भी देखो लोगों के चेहरे जो है वो खिल रहे हैं, एक उम्मीद जगी है। अब तो लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी, जब इनके लोगों से बात करते थे वो ये कहते थे कि 2027 के बाद देखी जाएगी, वो भी हमारा मूड है, करेंगे नहीं करेंगे। ये अल्लाह का शुक्र, ये सारे अल्लाह के फैसले होते हैं। ये जो सजा हमको मिली, ये 10 साल की जो सजा मिली, इसमें किसी का कसूर नहीं, इसमें कसूर अगर है तो हमारा है। मेरे हिसाब से जिस कौम के, जिस इलाके के अमल ठीक नहीं होते हैं, फिर ऐसा आदमी मुसलत किया जाता है, फिर वो लोगों को पता चलता है कि भाई अच्छा क्या था, बुरा क्या है। इलेक्शन यहां हुए ठीक है भाई, वो मुल्क की पार्लियामेंट बननी है, वहां मुल्क के जो है पता नहीं कितनी स्टेटें हैं, उनके मामला वहां चल रहे हैं, वहां से फंड्स अलॉट होने हैं, मगर जो हमारे जो ये लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, ये किसी के इलेक्शन नहीं, ये हम सब लोगों के अपने इलेक्शन हैं। हमारे जो मसले मसाइल जो हैं, जिनके लिए हम 10 साल से तरस रहे हैं, ये उनका इलेक्शन है। हमने अपना नुमाइंदा चुनना है, हमने अपना मिनिस्टर बनाना है, हमने अपनी सरकार बनानी है। जब आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे, जितने भी आपके मसले हैं, अभी जो यहां मुझे यहां बात कर रहे थे कि भाई हमको बैंक और तहसील की जो है सबसे बड़ी डिमांड जो है वो तहसील और बैंक होना चाहिए। ये काम आपके तर्जुमान का है, वकील का है, नुमाइंदे का है। जब वो यहां से चुन के जाएगा, जब ये मामला जो है वहां ऐवान में जाएगा, जब ये मामला वहां वो उबारेगा, सरकार को दबाएगा कि मेरा दूर दराज का इलाका है ठकराई का, जहां कितनी मुश्किलें जो है लोगों को उठानी पड़ती है, यहां से किश्तवाड़ जाना पड़ता है बैंक के लिए, यहां मामूली कागज बनाना होता है, तो तहसील के लिए हमको